खबर करैरा से, जहां नगर में कलचुरी समाज करैरा द्वारा अक्षय तृतीया पर सामूहिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। नगर में कृषि उपज मंडी से 17 दूल्हों की बारात नगर के प्रमुख मार्गों से डीजे के साथ ताज विलास पैलेस पर पहुंची। सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष बाल गोविंद तिवारी ने बताया कि सम्मेलन में 17 जोड़ों का परिग्रह संस्कार कार्यक्रम पूरी रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में समाज बंधुओं के सहयोग से वर वधु को सामान भी भेंट कर सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन का आयोजन समाज के समाज हित में आता कलचुरी समाज के युवा वर्ग का ये सपना है कि समाज में फिजूल खर्ची से बचने के लिए इस तरीके के सामूहिक सम्मेलन का आयोजन निरंतर चलता रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साउथ फिल्म बॉलीवुड की अभिनेत्री प्रीति ओम चौकसे, एक्टर मुकेश चौकसे के द्वारा वर वधु को आशीर्वाद दिया गया और कहा कि इन सम्मेलनों के आयोजन से विवाह में फिजूल खर्च बचता है और उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। सम्मेलन में वरिष्ठ समाजसेवी लक्ष्मी नारायण शिवरे, प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत, पूर्व विधायक मंत्री जसवंत जाटव, कोलारस नगर परिषद अध्यक्ष रविन्द्र शिवरे, के शिवरे, दयाचंद शिवरे, मुरारी लाल शिवरे, जितेंद्र राय सहित अनेकों समाजसेवी उपस्थित हुए। करैरा से संजय गुप्ता, बिलैया की रिपोर्ट। सम्मेलन में आई, आपने यहाँ आके क्या संदेश दिया, शादी विवाह सम्मेलन के बारे में बताएं आप? मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ एक छोटे से गांव में इतना अच्छा अरेंजमेंट, वो भी इतनी गर्मी में। यहाँ पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ मेरी एक फिल्म की शूट के लिए, तो मुझे पता है यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है और इतने लोग, मतलब लोगों का यहाँ आना, इतने ज़्यादा कैटेगरी में लोग यहाँ पर दिखे मुझे। और यहाँ का जो मुझे के राय जी ने यहाँ बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे समाज में यहाँ के कार्यक्रम के लिए इन्वाइट किया। और मैंने यहाँ लोगों को ये संदेश दिया है कि लड़कियों को आगे बढ़ाएं और इसी तरीके के आयोजन हमारे समाज आगे बढ़े, कल्चरली समाज आगे बढ़े, यही संदेश। आप शादी सम्मेलन में शामिल हुए, यहाँ आपके आपने क्या संदेश दिया लोगों को, सम्मेलन के बारे में बताएं कुछ? संदेश क्या है कि समाज का, हमारे कल्चरी कलाल समाज का, हम जिनके वंशज सशस्त्र भाऊ हाजी हुए, तो सम्मेलन उनके जो हुआ है और ऐसा जो सम्मेलन है एक छोटी सी जगह, करैरा एक छोटी सी जगह जहाँ पर समाज के सभी लोग मिलके, सभी शिवरे राय मिलके, ग्रुप मिलके एक बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब ये कि सम्मेलन हुआ है, ये मतलब कि ऐतिहासिक बोला जाए इस क्षेत्र के लिए, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतना मैनेज करना, यहाँ पर सब करना, फिर अपने कृष्णकांत जी राय जिन्होंने मुझे मतलब इनवाइट किया यहाँ पर, और मैं इनके इस मतलब कहने पे जो भोपाल में था और इनका फ़ोन आया जब अभी कार्यक्रम चले, हम लोग कहने पे कहके जी ने बोला कि भाई आना है और यहाँ आए, बड़ा तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि भाई जो होते हैं आम सम्मेलन टाइप की होगा, दूल्हा दुल्हन होंगे और हो जाएगा ऐसा, लेकिन यहाँ आने पड़ा कि सिस्टमेटिक ढंग से पूरा जोड़ों को, जो 17 जोड़े हैं समाज के, उनके 17 जोड़ों को किस तरह से एक एक को बुला के वरमाला करना, क्योंकि जब सम्मेलन होता है तो इकट्ठी वरमाला होती है, चाहे वो 10 जोड़े 11 जोड़े में देखे, 11 जोड़ों को खड़ा कर दो वरमाला लगा के, लेकिन यहाँ एक एक जोड़े को जिसे रीति रिवाज से पूरे होता है, हमारे हम अगर एक देखिए शादी करते थे एक जोड़े वरमाला होती, वैसे यहाँ पर वरमाला का आयोजन, खाने का आयोजन बहुत अच्छा, मतलब हर सभी को कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मुझे ये कमी है, सारा मैनेज करके और अच्छे यहाँ पर समाज के वरिष्ठ हमारे रवि शिवरे जी भी है और जो जो अध्यक्ष हैं अपने गोपाल शिवरे जी भी, सारे लोगों ने मिलकर इसको बनाना और सभी का फिर मंच पर सम्मान करना, ये बड़ी बात होती है, एक जरा सा भी किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं हो और बहुत डिसिप्लिन तरीके से ये हो कि हमारे समाज में सम्मेलन जाता है, ये मतलब संदेश जाता है कि इस तरीके के आप करें और आगे आएं और सीखें और देखें, और एक बिग सिटी में जो कार्यक्रम होते हैं कि समाज के जो आपके यहाँ सामुदायिक सम्मेलन हुआ है कल्चर समाज का, इसमें कितने जोड़ों ने की शादी हुई है और आपने इधर क्या क्या उनको दिया है और क्या संदेश दिया देना चाहते हैं बताएं? पहले तो गुप्ता जी आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप एक अपना अमूल्य समय निखार कर हम सबको कवरेज करने के लिए और इतने सुंदर कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आप पधारे, पहले आपका स्वागत। उसके बाद मैं धन्यवाद अगर किसी का देना चाहूँगा, तो समाज के जो गरीब पिछड़े लोग हैं उन्होंने जिस प्रकार से अपना समय और अपना मूल्यवान समय निकाल कर समाज के इस कार्यक्रम की 15 दिनों से जो लोग रूपरेखा रखी है, सबसे ज़्यादा अगर महत्व इस कार्यक्रम का रहा है तो उन लोगों की जो बड़ी मेहनत है, वो मेहनत को मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा। और उसके बाद विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा
कि हमारे छोटे से निवेदन पर समाज में, मैंने सोचा कि फिल्म डायरेक्टर हैं या अभिनेत्री हैं, मैं बात करूंगा तो जाने आएंगे या नहीं आएंगे। जब मेरी इन लोगों से बात हुई तो इनका कहना एक शब्द था कि हम समाज के बीच में जा रहे हैं तो हमें तो एक आप दरी अवेलेबल करा देना कि जिसमें समाज के चार लोग बैठे हों, उस पर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ऐसे लोगों से आज हमारा इस सम्मेलन ने मिलन करवाया है। तो इन सम्मेलनों का हमेशा एक उद्देश्य रहता है कि पहला तो हमारे समाज में जो कन्याएं हैं वो अपने बाप पर भोजना बने। हम सभी के लिए उतनी जवाबदारी है, समाज के घर किसी के यहाँ भी बेटी हो तो उसकी जवाबदारी समाज का एक एक व्यक्ति लेने को तैयार है। दूसरी चीज़, हमें समाज के लोग जब सम्मेलनों के माध्यम से इकट्ठे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं नए लोगों से नए विचारों को ग्रहण करने के लिए मिलता है, नई सीख मिलती है, और सीख के साथ साथ समाज का भला कैसे हो, समाज का कल्याण कैसे हो, इस तरह की गतिविधियों से कहीं ना कहीं जो निकल कर आता है तो उसमें कुछ ना कुछ समाज के लिए आगे बढ़ने की दिशा तय होती है कि आगे समाज और समाज के बच्चे और समाज किस दिशा में जा रहा है। तो ऐसे सम्मेलन बहुत ज़रूरी है। आज आपके समाज का सम्मेलन हुआ, कितने जोड़ों की शादी हुई यहाँ पर और आप लोगों ने क्या क्या व्यवस्था रखी, क्या दिया बताएं संक्षेप में। आज हमारा शोर है समाज का, जो भी समिति के लोग हैं के समिति अध्यक्ष पालमवंत सौर्य जी, उनकी पूरी टीम आज करेरा में हमारे समाज के सम्मेलन के बहुत अच्छी व्यवस्था की। 19 जोड़े दंपत जीवन बंधने जा रहे हैं, जैसे अपन घर की शादी करते हैं उसी तरह पूरी तरह 19 जोड़ों की बारात निकाली गई, जगह जगह उनका करेरा शहर में स्वागत हुआ और विधिवत मंच पर दूल्हा दुल्हन को मालार्पण करके एक एक आदमी का अलग मंडप, अलग पंडित, जिस तरह की व्यवस्थाएं लोग अपनी घर की शादी में करते हैं, पूरी समिति ने उस तरह की शादी करने का प्रयास सामूहिक सम्मेलन किया है तो पूरी समिति बधाई के पात्र है। और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं खाने की, पानी की, ऐसी गर्मी में आदमी एक शादी में परेशान हो जाता है, उन्होंने 19 शादी की और काफ़ी संख्या में लोग, आपने देखा होगा भीड़ भी बहुत थी, कोई भी आदमी बगैर खाना पानी के यहाँ से नहीं जाने दिया। और सभी समाज के एक एक राजनेता का, जनप्रतिनिधि का, समाज के समाजसेवी का स्वागत किया गया। तो मैं सभी समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।